जाति की बात तो सभी पार्टी वाले कमोबेश घुमा फिरा कर करते हैं, वो उतना मुद्दा नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कौन हमारे साथ में है, जनता के साथ में है, असली मुद्दा हमारा वो है। कौन है जनता के साथ? स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार है। कोई भी अभिभावक, कोई भी छात्र अपनी बेरोजगारी के बचाव के लिए एडमिशन लेते हैं, और ये मात्र बिहार में ही नहीं है, पूरे भारत में यही रवैया हो गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक में जो है प्रेजेंस बहुत पुअर है, जहाँ पर टीचर भरमार है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, वहाँ भी छात्रों की उपस्थिति कम है, क्योंकि उनके जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। एजुकेशन पे क्या कहेंगे बिहार के आप? हाँ, एजुकेशन में कमी है, पिछड़ा है, लोग सुधार करेंगे आने वाले समय के लिए, कुछ कमी है, इसको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। 10 साल में नहीं हो पाया सर नीतीश कुमार से? 10 साल में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ बाकी भी है जिसको दूर करने की जरूरत है। तो सर फिर नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आनी चाहिए बिहार में? क्या जिसको हिंदुस्तान में सब जनता को लेकर चलने की भावना नहीं हो जिसके दिल में, उसके विषय में क्या कहा जा सकता है? हिंसा कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग तरह तरह का अपना भोजन का आदत बनाए, जानवर की मौत होती है, खाते हैं, तो उस आधार पर वो हत्या के नाम पर किसी जानवर किसी इंसान की हत्या कर दी जाती है, वो हत्या के नाम पर किसी इंसान की हत्या कर दी जाती है। वैसे इंसान की हत्या करने वाले को आप क्या कहेंगे, शैतान कहेंगे कि इंसान कहेंगे? बिहार की कुछ तस्वीर बाहर आई थी जहाँ हाजीपुर की तस्वीर थी और कई जगह की तस्वीर थी, जहाँ लड़के को चीट पहुँचाने के लिए लोग छत पर चढ़े हुए थे। तो अगर नीतीश कुमार के सरकार में डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा में सुधार हुआ है, तो फिर वो तस्वीर क्या थी? देखिए, गलत करने वाले तो गलत करते ही हैं, उसी को रोका जाता है ना, कंट्रोल करना, शासन में रहना। अब ये मान लीजिए बहुत जो है सब नीतीश जी का आदमी जो अरेस्ट हुए हैं, गलत किए हैं तो अरेस्ट हुए हैं, तो चाहते हैं कि देश का विकास हो, बिहार का विकास हो। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि बीफ एक मुद्दा बनाया गया वोट की पॉलिटिक्स के लिए। जब इन्होंने विकास को ये कहे थे कि हम विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास से जब इनका काम नहीं चल चुके, हुआ विकास नहीं 18 महीने में, जैसा कि इन्होंने कहा है कि 18, या सब लोग कहते हैं कि 18 जो चीज़ जिस मुद्दे को लेकर के भाजपा लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और जो वादा किया था वो पूरा हो नहीं रहा है, तो अब इन्होंने देखा कि अब उससे तो मेरा काम चलने वाला नहीं, फिर झूठ बोल करके हम वोट नहीं ले सकते, तो ये कॉमनल कम्युनलिज्म को हवा दे रहे हैं जो ये मुल्क बर्दाश्त करने के लिए। तो 10% काम बचा हुआ है, 10% काम बचा हुआ है। अब 10% कहा नहीं, जैसे हमारे तकनीकी शिक्षण संस्थाएं कुछ कम है यहाँ, वो अगर वो खोल देते हैं ताकि यहाँ के प्रतिभा 500 छात्र हैं युवा, उनको बाहर नहीं जाना पड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो पूर्ण देंगे हम, 10 में 10 देंगे। सर मैं ऐसे 10 कॉलेज गया हूँ, सर मैं 10 कॉलेज गया हूँ, सीएम कॉलेज से लेकर सीएम आर्ट्स, सीएम साइंस, मिल्लत कॉलेज, हर कॉलेज गया हूँ मैं। बेगूसराय में था, हजार गया स्कूल में, कॉलेज पहुँचने के बाद बच्चे नहीं थे कॉलेज में। यह बात ठीक है, यह जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें यह रोजगार परक नहीं है, मैंने 100% रोजगार परक नहीं है, इसलिए बच्चे इससे थोड़ा सा विमुख हो रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन बच्चे कॉलेज आएंगे, स्कूल आएंगे, यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, यह गार्जियनों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज आने के लिए बाध्य करें। जब तक नहीं करेंगे तो केवल सरकार पुलिस के बल पर बच्चों को लाएगी पकड़ करके स्कूल कॉलेज, संभव नहीं है। लेकिन सुधार तो हुआ ही है, बहुत सुधार हुआ है, आज देख लीजिए आप स्कूल आए कॉलेज में। लालू का जो जजमेंट हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है, जो लालू के आलोचक हैं वो आलोचना करते रहे, उनको जेल भेजते रहे हैं, या जो कुछ करते रहे वो करते रहे, उन पर चारा घोटाला का आरोप है, वह सब जुडिस है, वह न्यायालय में है, इस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है। दूसरी बात जंगल राज की बात, तो मैं जानता हूँ कि 90 से पहले अगर आपका इतिहास ठीक है तो जिस तरह से सुनियोजित गाँव हरिजन बस्ती जलाए जाते थे, 50 और 60 के रूप के की संख्या में लोगों का कत्लेआम होता था, उस तरह का प्रोग्राम या उस तरह के सुनियोजित घटना कहीं नहीं घटी और एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, इसलिए जंगल राज मात्र जुमला बनकर रह जाएगा, उसके सपोर्ट बेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर लेकिन लालू के आने के बाद ही बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे, पिसारा, लालू के आने के बाद की चीजें सर, 97 93 ये जो कुछ घटनाएं घटी थी वह सांप्रदायिक और
सामंती ताकतों के द्वारा हुई थी, जिसका प्रतिकार किया गया। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कहा, एक भी मुद्दा पर नहीं बोलने को तैयार है। वो बछड़ा तो कहाँ का है, वो दादरी का है, लेकिन वो घसीट कर यहाँ ला रहे हैं। वो इमोशन पर उसको ले जाना चाहते, विकास की बात वो नहीं कर रहे। उन्होंने विकास किया है और वो कॉमनल राइट होगा, ऐसा नहीं हर जमाने में हुआ है और होता रहेगा, लेकिन उसको कंट्रोल आप कितना देर में कर रहे हैं, ये असल देखने की चीज़ है। ऐसा नहीं कि राइट हो रहा है और बर्फ हुआ है दूसरे राजस्थान में राइट हुआ या गुजरात में राइट हुआ, महीनों महीना चलता रहा। नीतीश के टाइम में भी आप कहिएगा कि अजीतपुर का राइट हुआ या अररिया का राइट हुआ, लेकिन वो कंट्रोल हुआ कि नहीं, ये देखने की चीज़ है। तो सबसे बड़ा नीतीश के पक्ष में जो लोग हैं वो विकास इन्होंने किया है। नहीं, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो जाति के आधार पर विशेष अवसर मिलना ये संविधान सम्मत है, इसमें छिपाने की क्या बात है। मोहन भागवत कहेंगे तो थोड़े हम मान लेंगे, हमारा अधिकार है।